तेरी वजह से मेरे को गाली पड़ रही ट्विटर पे। तो ऑफ कोर्स अगर कोई टीएक्स नाम लगाया तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो टीएक्स से थोड़ा ऑब्सेस्ड है। एंड काशु के साथ एवरीथिंग इज सॉर्टेड, पहले भी था अभी भी है। मैं आपको बता देता हूँ क्या सीन है मेरा। एक सेकंड चैनल का जो निक करके एक बंदा है जो कि जोपर भाई का भी संभालता है, मेरा भी संभालता है, तो हमने कुछ ऐसे मैच्योर बंदे रख रखे और वो मैच्योर भी है, ऐसा कुछ नहीं कि उसको समझ आता है कि वो क्या कॉन्टेंट है क्या नहीं है, क्या चीज दिखानी है, क्या क्लिक बेट करना है, एवरीथिंग। इट वॉज नॉट ए क्लिक बेट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसने गंदी नज़र से कुछ सोचा नहीं, जो कि लोगों का दिमाग इतना गंदा है मजाक से हटके कि वो सिर्फ हर चीज़ को सबसे पहले गंदी नज़र से देखते हैं, तो जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर पे हंगामा किया। ये भी काशु या फिर स्काउट किसी ने भी वो देखा होगा, काशु को बुरा लगा या फिर नहीं लगा, उसको बुरा ही लगा ऑफकोर्स। तो उसने मेरे को मैसेज किया थंबनेल चेंज करो, मैं उस टाइम सो रहा था। 4 घंटे बाद मैं उठा, मैंने मैसेज पढ़ा, मैंने वॉइस नोट भेजा उसको, एडिटर को, मैं वॉइस नोट सुना भी सकता हूँ अभी स्ट्रीम पे, कोई इशू वाली बात नहीं, और मैंने थंबनेल चेंज कर दिया। अब द थिंग इज, लोगों को ऐसा लग रहा है कि लोग मेरे को गलत तरीके से मेरे को बोल रहे थे, उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे को बताया कि थंबनेल चेंज कर दो, हम को थोड़ा गलत लग रहा है काशवी के लिए। मेरे को, मैं एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, मैंने थंबनेल चेंज कर दिया, ठीक है। बट कुछ लोग मेरे को गाली दे करके बोल रहे थे, वो मुझे पसंद नहीं आया, सिंपल सी बात है, और एक नहीं दो नहीं बहुत लोग। और बात रही विक्टम कार्ड की बात नहीं भाई, मैं 3 महीने से घर पे हूँ, मैं बहुत चीज़ें घर वालों को समझा रहा हूँ, वो नहीं मैं बताऊँगा, मैं पर्सनल प्रॉब्लम से बहुत गुजरा हूँ अभी। एंड मैंने ऑफकोर्स काशवी की वजह से ब्रेक नहीं लिया है, जो काशवी ने स्ट्रीम पे बोल दिया आई थिंक उसने गलत वे में ले लिया है, काशवी की वजह से मैं ब्रेक नहीं लिया है, मैं पर्सनल प्रॉब्लम से गुजरा था, मेरे को थोड़ा सा हेट आया, मैंने कहा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, मैं खुद को फुल स्ट्रांग करके वापस लेके आऊँगा, दैट्स इट। बट काशवी को थोड़ा उस चीज़ में ज़्यादा, आई होप मैंने वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी होगी, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं तो मैं वॉइस नोट सुना देता हूँ। ओ भाई साहब, तो थंबनेल बना रहा, थोड़ा देख तो सही क्या कर रहा है तू, वो जो तू बबल बनाया है, बबल में ऐसा लिखा है उसका, देखो कितना गलत इफेक्ट पड़ रहा है, तेरी वजह से मेरे को गाली पड़ रही ट्विटर पे, वो ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं अलग सी, थोड़ा ध्यान रख नेक्स्ट टाइम से, थंबनेल में ऐसा मत करके बिल्कुल, पर वीडियो क्या होता है ऐसा सीधा तरीके से तो लिख, थोड़ा एडिटर का लाइक पूरा, एक एडिटर का 25,000 है पर वीडियो, ऐसे तरीके से लिखना। कुछ लोगों का टीएक्स नाम भी लगा हुआ था, तो ऑफ कोर्स अगर कोई टीएक्स नाम लगाया तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो टीएक्स से थोड़ा ऑब्सेस्ड है, ठीक है। जो लोग मेरे को इंस्टा पे या फिर कहीं पे भी मेंशन कर रहे थे, ट्विटर पे वगैरह, ट्विटर पे मैं हूँ नहीं बट वो मेंशन नहीं कर सकते, बट वो लिख रहे थे, तो मेरे को लगा कि मे बी वो होंगे, तो मैंने काशी को ये, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट मांगे, मैंने उसको भेजे सारे स्क्रीन। नहीं, भूमिका जी ऐसी बात नहीं है कि काशी से मजाक करने से ही ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। इवन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब रेगा और कृतिका भी खेलते थे तो रेगा और कृतिका बहुत भाई बहन जैसे लड़ते, ऑफकोर्स तो दिक्कत ये हो रहा था कि रेगा को जितना हेट मिला ना कि तू लड़कियों की रेस्पेक्ट नहीं करता ये सब, तो उसको वो चीज़ का भी बुरा लगा, तो अपन सबको खुश नहीं कर सकते मेरे को ऐसा लगता है। तो या मतलब अगर लोगों को ऐसा लगता है तो नेक्स्ट टाइम से मैं काशवी के साथ कुछ इस तरीके की बातें नहीं करूँगा जिससे आपको बुरा लगे, सिंपल सी बात है, मेरे को पता है क्या लिमिट से, बट मैं एज ए मेरी बहन, जितना हम लोगों का फ्रेंडशिप है या फिर बहन बोलो भाई बहन वाला है, तो मैं उससे ओपनली बात करता हूँ, ऑफकोर्स ओपनली मैं उसको बताता भी हूँ कभी कभी कुछ चीज़ें कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है ये प्लान किया है, इतना कुछ नहीं लेकिन मैं करता हूँ।